नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सैमसंग गैलेक्सी J2 प्रे का रिव्यू, जिसको देखकर आप फैसला कर पाएंगे कि ये मोबाइल मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको क्या है सैमसंग गैलेक्सी J2 प्रो। दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी J2 प्रो। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चेक करिएगा जो आपको ये प्रोडक्ट मिला है, ये सील लॉक है कि नहीं है। देखिए, ये सील है, अगर ये सील ब्रोकन है तो आप इस फ़ोन को वापस कर दें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज मिलती है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी सील को खोलते हैं। नाउ सील, इट विल बी ओपन। ये अब देखिए दोस्तों, अब मैं इस फ़ोन को बाहर निकालूंगा। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा फ़ोन है, कितना सुंदर। द मेन कलर ऑफ दिस फोन इज गोल्डन। यू कैन सी दिस फिनिशिंग इज वेरी गुड, नाइस लुकिंग। नाउ इट्स डिफरेंट एंड जस्ट चेक द बैक साइड। बैक साइड इज ए वेरी स्लीक डिज़ाइन एंड दिस इज कैमरा एंड दिस इज पावर लाइट एंड दिस इज न्यू फीचर ऑफ सैमसंग गैलेक्सी J2 प्रो, इट्स बैक डिज़ाइन एंड इट्स ऑल्सो द मेन फीचर ऑफ इट्स बैक ग्लो लाइट। दिस विल बी चेंज इन नंबर ऑफ कलर्स लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, अदर। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसके साथ क्या क्या एसेसरीज मिली है। एसेसरीज के लिए हम लोग इसके डिब्बे को ओपन करेंगे। ये इसका एसेसरीज का है, ये यूज़र मैनुअल है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल को किस तरह से यूज़ करें। दिस यूज़र मैनुअल इज नंबर ऑफ लैंग्वेज लाइक क्विक स्टार्ट गाइड से आप अपने फ़ोन को हैंडलिंग करना समझ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, कैसे फ़ोन का फ्लैप उठाएं, कैसे बैटरी लगाएं, कैसे सिम लगाएं, कैसे लॉक करें। दिस मैनुअल इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस इज अदर लैंग्वेज एंड सो ऑन एंड दिस इज वारंटी कार्ड। दिस वारंटी कार्ड गिव्स यू 1 ईयर इंडियन मैन्युफैक्चरर वारंटी ऑफ सैमसंग। नाउ लेट्स सी इट्स एसेसरीज। इट्स एसेसरीज इज डेटा लीड से आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं और कोई भी डेटा अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और इसके साथ मिलता है ये ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर ईयरफोन। इस ईयरफोन का इस्तेमाल आप गाने सुनने में और FM सुनने में कर सकते हैं। और अब इसके साथ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का सैमसंग का ये चार्जर मिल रहा है। इस चार्जर को आप कहीं भी प्लग कर सकते हैं और द मेन थिंग इज़ दैट इसमें सैमसंग का लोगो लगा हुआ है। इस सैमसंग के लोगो से आप पहचान कर सकते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल एसेसरीज है। और सैमसंग इस एसेसरीज की वारंटी केवल 6 मंथ की देता है और फ़ोन की वारंटी आपको 1 ईयर की मिलेगी। और इसके साथ आपको ये बैटरी मिलती है
ये बैटरी सैमसंग की ओरिजिनल बैटरी है। आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर। एंड प्लीज़ रिफ़र टू मैनुअल बिफोर यूजिंग बैटरी। ये मैनुअल लिखा हुआ है जिससे आप बैटरी का सही से इस्तेमाल कर सकें। और दिस इज़ इंडिकेटर इन दिस पैक बैटरी सेल मेड इन मलेशिया असेंबल्ड इन वियतनाम। ओके नाउ अब हम फ़ोन को स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके फ़ोन को तो आपको दिखा ही सकते हैं। अब आप फ़ोन की डिज़ाइन देखिए, बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही पतला लुक है। इसे आप देख सकते हैं, बहुत ही पतला। मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि फ़ोन बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। और सबसे मेन फीचर्स आपको मैं बता देता हूँ, इस सैमसंग जे टू प्रो का मेन फीचर है एस बाइक मोड फीचर। बहुत ही महत्वपूर्ण है बाइक राइडर के लिए। अगर आप बाइक चला रहे हो और इसका एस बाइक मोड फीचर ऑन कर दें तो कोई भी कॉलर आपको जब कॉल मिलाएगा तो उसको एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देगी, जिसमें वो बोलेगा कि आपका कॉलर रिसीवर अभी बाइक चला रहा है। अगर वो कॉल आपके लिए महत्वपूर्ण होगी तो वो एक दबाएगा, आपका फ़ोन बच जाएगा। और सेकंड थिंग इज स्मार्ट ग्लो। स्मार्ट ग्लो इज़ द मेन फीचर ऑफ सैमसंग गैलेक्सी जे टू प्रो। तो इन दिस स्मार्ट ग्लो, दिस इज़ द स्मार्ट ग्लो। जब भी आपके फ़ोन पे कोई कॉल या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ये स्मार्ट ग्लो करेगा अलग अलग कलर पे। इसका कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आइए तो अब हम इसके फ़ोन को चालू करते हैं। अब चालू करने के लिए अब हम इसके साइड में ये से हम इसका ढक्कन खोल सकते हैं। ढक्कन का मतलब गलत मत निकालिएगा दोस्तों। अब ये इसका बैक पॉइंट है, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक ये माइक्रो एसडी स्लॉट है, एक ये माइक्रो एसडी स्लॉट है, और सॉरी ये वन सिम स्लॉट है, सेकंड माइक्रो सिम स्लॉट है, और ये माइक्रो एसडी स्लॉट है। अब हम आपको लगा के भी दिखाएंगे कि कैसे है। सबसे पहले तो हम ये एयरटेल का मिनी सिम लगाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, माइक्रो नहीं, मिनी सिम। सॉरी दोस्तों, सिम गिर गया था। तो अब हम आपको लगा के दिखाएंगे ये सिम। ये लग ही नहीं रहा दोस्तों, क्या ख्याल है भाई। ये अब देखिए कैसे मैं बहुत ही आराम से अंदर डालता हूँ और ये सिम अंदर चला गया। अब आप चाहें तो इसका दूसरा सिम भी लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दिया दूसरा आइडिया का मेरा सिम। इस सिम से मैं दोनों कॉल्स कर सकता हूँ। अब इसकी जो एक्सपेंडेबल मेमोरी है वो आप 128 GB तक की मेमोरी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। बट ये मेरा जो सैंडिस्क का 32 GB कार्ड है, 16 GB सॉरी दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है तो इसलिए कोई गलती हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। बस इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस पर कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है। और फिर मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छा इनाम दूंगा, वो क्या है वो बाद में देखते हैं। अब देखिए मैं इसकी बैटरी लगा दूंगा ऐसे, और ये हो गया फ़ोन बंद। अब ये हुआ हमारा फ़ोन ऑन।
ये देखिए जब ये ऑन होगा ये इसके यहाँ पे वॉइस कंट्रोल के बटन दिए हुए हैं, ये प्लस है ये माइनस है। जब आप प्लस करेंगे तो वॉइस इंक्रीज होगी, जब आप माइनस करेंगे तो वॉइस डिक्रीज होगी। और यहाँ पे ये पावर बटन दिया हुआ है जिसकी सहायता से आप अपने फ़ोन की पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये प्री एक्टिवेटेड फ़ोन है और मैंने इस पर पैटर्न भी लगाया हुआ है, ये वी फॉर विशाल, माय नेम इज विशाल। तो देखिए दोस्तों, और रही अब इसके कैमरे की बात करते हैं दोस्तों, इसका कैमरा कुछ ख़ास क्वालिटी का नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं इसके कैमरे की फ्रंट कैमरा थोड़ा सही क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका फ्रंट कैमरा जो है थोड़ा सही है, जिसमें हम दिखा सकते हैं ये कि कैसे फ़ोटो खींचेगा। अब दोस्तों अगर आप इसके बैक कैमरे की बात करेंगे तो इसका जो बैक कैमरा है वो कुछ खास लुक अच्छा नहीं देता है, यहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है ये इतना मज़ेदार नहीं है जितना कि होना चाहिए। हाँ ये है कि ओवरऑल इस प्राइस में फीचर्स में फ़ोन बहुत अच्छा है। इसका मेन फीचर्स एक जो है वो है TST टर्बो स्पीड टेक्नोलॉजी। टर्बो स्पीड टेक्नोलॉजी ये सैमसंग ने नई लॉन्च की है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन के जो अनयूजफुल एप्लीकेशन होते हैं वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ बढ़ जाती है और आपका डेटा भी कम खर्च होता है। और दोस्तों ये है आपका एस बाइक मोड। इस एस बाइक मोड को जब हम क्लिक करेंगे तो बाइक मोड एक्टिवेट हो जाएगा ऑलवेज। और यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपके जो भी कॉल्स एस बाइक मोड के अंडर में जो भी कॉल्स आएंगी तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब भी आपके कॉलर्स कोई कॉल करेगा, आप बाइक चला रहे होंगे तो आपको कॉल तभी उठाएंगे जब वो कॉल इम्पोर्टेंट होगी, अदरवाइज वो फ़ोन काट देगा और आपको बाद में फ़ोन मिलाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। अब मेरा दूसरा रिव्यू देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और मेरी मेल आईडी है er.vishal0603@gmail.com, और अपने सुझाव मुझे भेजें। और मेरी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.engineervishal.com। इंजीनियर की स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ, engineervishal vishal.com www.engineervishal.com, और अपना रिव्यू जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।